अफसोस तुझे क्यों आंख का दरिया बहता है, तू कहता था तेरा चांद हूं मैं। हो गया स्टार्ट। चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज का जो एग्जाम हुआ है थंबनेल पर, बाकी सब कुछ आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा थंबनेल पर। तो उस एग्जामिनेशन के अंदर मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम के अंदर, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर, जहाँ भी, इंस्टाग्राम वगैरह पर, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपका समय तो बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद करूँ, आपसे दो तीन बात यहाँ बताऊँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को कराऊँ। आपका एग्जाम का टाइम है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ना के अदर बातों पर, क्लियर है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतना है, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहे, जो मेरी मैथ्स की नई नई वीडियोस आती रहेंगी एग्जाम एनालिसिस रिलेटेड, तो वो सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी के सभी क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन है, तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि पहली संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है सरकार, 50। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है, और हमें औसत का फॉर्मूला पता होता है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है औसत, यानी कि एवरेज। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों का योग, ऐसे बोल देते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, क्या होती है, प्रेक्षणों की संख्या। औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आप इसे सिग्मा एक्स अपॉन एन के नाम से भी जानते हैं, आप ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बेसिक मेथड से सिखाने वाला हूं, क्लियर है। अब यहां पर सबसे पहले प्रेक्षणों का योग, यहां देखें तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है समांतर श्रेणी, क्लियर है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका पहला पद क्या है सर, ए बराबर 1, सार्वंतर डी क्या है, 2 - 1 यानी कि 1, और लास्ट टर्म क्या है, अंतिम पद 50 है, क्लियर है सर। यहां से अगर हम फॉर्मूला से निकालते हैं एस एन या एस 50 करके निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन वाई 2 a+l, यही तो होता है पदों की संख्या का योग। हमें कितने पदों का योग चाहिए सर, 50 पदों का, तो एस 50 बराबर 50/2, और a की वैल्यू कितनी है 1, और l की वैल्यू कितनी है 51। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एल है 50, तो 25 × 51 ये आपका आया कुल प्रेक्षणों का योग, यानी कि 50 पदों का योग निकल कर आया आपका 50 आया, क्लियर है बच्चे, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमारा औसत का फॉर्मूला था, औसत का यही फॉर्मूला था सर, आपने ध्यान से देखा होगा इसको। तो यहां से अगर हम औसत निकालने की बात करें, औसत औसत निकालने की बात करते हैं, तो कुल पदों का योग, 50 पदों का योग कितना है, 25 × 51, 25 × 51। प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 50 ही तो है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, क्लियर है। कैंसिल आउट करेंगे, 50 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार, और ये बन जाएगा आपका 51/2, जिसको हम क्या लिखेंगे, 25.5 लिखेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बहुत से आपको जो पैटर्न सिखाया जाता है कि 1 से 50 तक के सभी पदों की संख्या का हमें निकालना है, क्या औसत निकालना है, तो आप लास्ट टर्म को और पहले पद को जोड़ दीजिए, क्लियर है।
और उसमें किसका भाग लगा दीजिए, आप भाग लगा दीजिए पदों की संख्या का, आपका आंसर निकल आएगा अगर इस तरीके से सीरीज आपकी दे रखी हो तो। क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया? एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन है अपना रिलेटेड साधारण ब्याज से। क्या है सर, कैसा क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है, कोई धनराशि है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये आपसे लिए, या मेरे 100 रुपये थे मेरे पास और 10% की वार्षिक दर से वो कुछ समय बाद दोगुने हो गए, तो समय कितना लगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? समय कितना लगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है सर? अब यहां से देखिए, मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका, लेट कर लेते हैं यहां से बहुत आसान तरीके से, मूलधन यानी कि जो आप प्रिंसिपल जिसके नाम से जानते हो, मूलधन हमने मान लिया कि पी था। कितना था सर? पी रुपया था। क्लियर है? वह धनराशि कितने समय में, समय पूछा है आपसे, समय क्या गया है पूछा गया है, तो टी वर्ष में ऐसे मान लेते हैं, टी ईयर्स में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी हो जाएगी? दोगुनी। यानी कि आपका जो मिश्र धन है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, कितना हो जाएगा? स्वयं का दोगुना हो जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, उसका दोगुना हो जाएगा। क्लियर है? पहले मूलधन पी था, टी वर्षों में यह मूलधन कितना हो गया सर? 2p हो गया। इसका मतलब मुझे सिंपल इंटरेस्ट SI कितना मिला सर यहां पर? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? ए माइनस पी, यानी कि ए माइनस पी। पी का मतलब क्या होता है? मूलधन। तो ए आपको कितना मिला? ए मिला है आपको, मिश्र धन हो गया 2p, और आपका मूलधन कितना है? पी। तो कितना बचेगा भैया? पी रुपया बचेगा। क्लियर है? आपका मूल साधारण ब्याज कितनी है? आपकी साधारण ब्याज है पी रुपया, मूलधन कितना है? पी रुपया। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सीधा हमको याद है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपकी झोली में होगा। कैसे? यहां से ऐसे मान लीजिए, मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? पी। प्रिंसिपल कितना है सर आपका? पी। आप कोई जरूरी नहीं है पी की जगह पे एक्स भी लेट कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह लग रहा है तो। क्लियर? रेट कितनी है सर? रेट है आपकी, रेट तो रेट की बात करें 10% की वार्षिक दर से। कितनी है सर? 10% की वार्षिक दर से। टाइम कितना है सर? 2 वर्ष का, टी वर्ष का टाइम तो निकालना है ना, अपॉन 100। क्लियर है? प्रिंसिपल से प्रिंसिपल 1 टाइम कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा सर? 10 वर्ष आ जाएगा। यानी कि आपका जो समय आएगा वो कितना आएगा सर? क्लियर है? टी इक्वल टू 10 ईयर्स में आपका वह धनराशि स्वयं की कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक लिए पॉज कीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसको मैं चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। कितना अच्छा सवाल है ये देखिए। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, स्पीड कितनी दे रखी है रेलगाड़ी की? 20 मीटर पर सेकंड। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड के अंदर क्या कर लेती है? पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई ये क्या है?
आपका 200 मीटर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आपकी चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। समय कितना है सर? 30 सेकंड में। क्लियर है? तो 30 सेकंड के अंदर एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, मान लीजिए कि ये आपका प्लेटफॉर्म है ठीक, और ये हमारी ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। क्लियर है सर? अब ट्रेन को अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन यहां से चलेगी और चलती हुई जाएगी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या ट्रेन यहाँ पार कर पाएगी? इसको नहीं कर पाएगी। जब तक इसका अंतिम डिब्बा, अंतिम बॉक्स नहीं आएगा, तब तक ट्रेन इसको पार नहीं कर पाएगी। कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। यानी कि ट्रेन को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई और कौन सी लंबाई यूज आने लगी? आपकी ट्रेन की कुल लंबाई। अगर ट्रेन की कुल लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार हो जाए, तब जाके किसकी लंबाई आएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल पाएगी ना सरकार। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ट्रेन को पार करना है इसको, अब 30 सेकंड में क्या कर जाती है? पार कर जाती है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। इसका मतलब क्या हो गया? एक सेकंड में जो आपकी ट्रेन है वो कितना चलती है? 20 मीटर चलती है। एक सेकंड में आपकी ट्रेन कितना चलती है? 20 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 20 मीटर चलती है। आपने ट्रेन को सरकार चलाया कितना था? 30 सेकंड चलाया था। तो 30 सेकंड के अंदर हमारी ट्रेन कितनी चलेगी? तो ये चलेगी 20 × 30। तो आप बोलोगे सर हमारी ट्रेन कुल मिलाकर 600 मीटर चली। कुल हमारी ट्रेन कितनी चली? 600 मीटर चली। कितनी चली? 600 मीटर चली। क्लियर है ना? अब इस 600 मीटर के अंदर देखा जाए तो ये ट्रेन की लंबाई है, ये भी तो है, शामिल हुई ना, तभी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर पाई। ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब पार कर पाई? ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई और ट्रेन ने अपनी लंबाई भी पार की, तभी तो ट्रेन पार कर पाई ना। सर अंतिम डिब्बा यहां पर है, पहले डिब्बे को पार करने से ट्रेन थोड़ी पार हो जाएगी। मान लो ट्रेन यहां पर है तो ये पहला डिब्बा पार कर जाए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को थोड़ी पार कर पाई है। प्लेटफॉर्म को कब पार कर पाएगी? जब यहां इसका पहला डिब्बा स्टार्टिंग पॉइंट पर हो और इसका ये वाला जो अंतिम पॉइंट है ये यहां हो और फर्स्ट पॉइंट कहां पर हो? यहां पर हो। तो 30 सेकंड में पार कर गई। 600 मीटर ही तो चली थी टोटल, कुल दूरी कितनी चली? 600 मीटर। इसके अंदर कौन सी दूरी और शामिल है? इसके अंदर ट्रेन की लंबाई भी शामिल है। सर ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 200 मीटर। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? 600 चली। 600 में से 200 घटा दीजिए प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की, तो 400 मीटर की जो लंबाई है वो किसकी है? आपकी ट्रेन की लंबाई है। क्लियर है? आप अपना आंसर कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर? ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को भी जो क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे ऑल शिफ्ट के हिसाब से हम उनको नेक्स्ट वीडियोज के अंदर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन 4 है। ए ने अपनी मासिक वेतन का 20% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 6000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? देखिए किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगी तो मान लीजिए नौकरी करेगा तो भाई उसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी सर? सैलरी मिलेगी। अब सैलरी मिली है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि सैलरी से ही काम चल जाएगा, खर्चे भी तो होंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर भी होगा इसके अंदर। अब भाई उसको खर्च भी तो करना है, कल के लिए उसे सेविंग की भी करनी है कि बचा के रख लो, कहीं कहीं कोई स्थिति
परेशान वाली आ गई तो हमें सेविंग हमारे काम आई। क्लियर। तो ए ने अपनी मासिक वेतन का 20% बचत करता है। तो मैं इसको सीधे सीधे शब्दों में लिख सकता हूँ। मान लीजिए ए की तनख्वाह कितनी है, ए की सैलरी को हम मान लेते हैं अभी 100%। कितनी मान लेते हैं सर, कि उसकी 100% है तनख्वाह। क्लियर है। उसका वेतन कितना है, मासिक वेतन, महीने का वेतन 100% है। क्लियर है। अब वो अपनी मासिक वेतन का 20% बचत करता है, यानी कि सेव कितना करता है सर, सेविंग कितनी है 20%। भाई मैंने 100 रुपये कमाई, 20 रुपये बचा लिए, इसका मतलब मैंने खर्च कितने किए, 80 रुपये खर्च किए। एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 80%। क्लियर है सर। अब आगे क्या बोला है, यदि उसका मासिक खर्च 6000 रुपये है। सर यहाँ पर मासिक खर्च कितना है, यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है, ये है 6000 रुपया, और यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है 80%। इसका मतलब 80% का मीनिंग क्या है, 6000 रुपया है। तो मैं बोल सकता हूँ 80% का जो मीनिंग है वो कितना है सर, 6000 रुपया। क्लियर है। पूछा है उसकी मासिक बचत कितनी है, सर बचत कितनी थी, बचत थी 20%। तो 20% का मीनिंग निकालना है, यानी कि 20% का अगर मीनिंग निकालना है तो क्या होगा, 6000 बटे 80, और 20% का मीनिंग निकालना है, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से जाएगा ये 4 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 1500, यानी कि कितना आएगा, 1500 रुपया आएगा सर। कितना आएगा, 1500 रुपया आएगा। क्लियर है भाई, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था कि ए ने अपनी मासिक वेतन का 20% बचत करता है, उसका मासिक खर्च 6000 रुपया है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो उसकी जो मासिक बचत है, बचत वाला जो पार्ट है वो होगा आपका 1500 रुपया बचत आपकी होगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक नए अंदाज के साथ देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इसको साफ कर देते हैं। क्लियर है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए, ये क्वेश्चन जब भी आता है अच्छे अच्छों के मतलब कर देता है खेल खराब। आसान सवाल है, ऐसा सो क्वेश्चन पूछा जाता है पीवाईक्यू के फॉर्मेट में, चेंज कीजिए, 10th क्लास का क्वेश्चन है, और रियल नंबर पहला चैप्टर जहां से होता है वहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेलवे का तो पसंदीदा सवाल है बहुत ज़्यादा, NTPC में अब की बार कम से कम 8-10 बार आया था ये। एक क्वेश्चन ये है HCF का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 0.12 बार को PYQ यानी कि फ्रैक्शन फॉर्मेट में चेंज कीजिए। लेट कर लेते हैं सबसे पहले x बराबर, हम इसको मान लेते हैं 0.123 पे बार, और बार का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इट मींस मैं इसको लिख सकता हूँ 0.123, फिर यहीं से 1 2 3, फिर यहीं से 1 2 3, फिर यहीं से 1 2 3, और ये चलता जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चीज चलती रहती है। क्लियर है भाई। वार कितने पर लगा, 3 पर लगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, अगर 1 पे लगा हो तो 10 से काम चल जाता है। मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। क्लियर है सर। दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, यह डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, हो सकता है कभी कभी 100 से भी काम चल जाता है भले ही 1 पे बार हो, तो वो काम आपको एग्जिट एक तरीके से सेट करना पड़ेगा उसके तरीके से। 1000 का मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आएगा, 1000x, और इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्लियर है सर, कोई दिक्कत। अच्छा जी, 1000x इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 प्लस 0.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट। क्लियर। अब एक बात बताइए मुझे कि ये वाला जो फॉर्मेट है सर, ये वाला जो फॉर्मेट है, क्या ये वाला फॉर्मेट कहीं यहाँ पर कुछ दिख रहा है ऐसा। आप बोलोगे सर ये तो रिपीटेशन हो गया इसका, और रिपीटेशन हो गया
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 एक्स बराबर 1 2 3 प्लस, ये तो मेरा रिपीटेशन है यानी कि एक्स का वैल्यू है, एक्स को इधर लाएंगे तो 1000 एक्स माइनस का एक्स बराबर 1 2 3, तो 9 9 9 एक्स बराबर 1 2 3। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 2 3 अपॉन ट्रिपल 9। क्लियर है सर, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है बात? क्लियर। कैंसिल आउट 3 से कीजिए, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, एक्स इक्वल टू जो वैल्यू पुट वन के निकल कर आई 41 अपॉन ट्रिपल 3 333, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में पी की वैल्यू 41, क्यू की वैल्यू 333, 333। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एच सी एफ ऑफ 260 52 एंड 230। बेसिक मेथड से भी हम इसको कर सकते थे, इतना इसको इस सवाल में भी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो सीधा समझ गए होंगे कि 133 में 999 का भाग लगा दो, बात खत्म हो गई, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा, ये आपका ट्रिक वगैरह बन जाता है। क्लियर है सर? आपको महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है 260 52 और 230 का। क्लियर है सर? यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, चलिए मैं इसके फैक्टर ही कर लेता हूँ 260 के फैक्टर। क्लियर है? ऐसे कर लेते बच्चों की तरह, 2 1 जा 2 3 जा 0, 2 से करेंगे 2 6 जा 2 5 जा, 5 से करेंगे 13 टाइम्स और 13 से करेंगे 1 टाइम। क्लियर है? 52 के फैक्टर कर लेते हैं सर, 2 से जाएगा 26, 2 से जाएगा 13 और 13 से जाएगा 1। क्लियर है? 230 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से जाएगा 1 1 5, और यहाँ पर इसमें तो भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 का लगाएंगे 2 बार, 5 का 3 बार, और फिर 23 से किया जाएगा 1 टाइम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, HCF क्या होता है, जो सभी के अंदर मैच कर जाए, सभी के अंदर मैच करने वाला सिर्फ एक टर्म देखा मुझे, 2 2 और 2, इसके बाद 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है ही नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, 13 13, लेकिन इसमें 23 है। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा सरकार क्या निकल कर आएगा बच्चा, क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, 2 निकल कर आएगा। क्लियर है? तो आज जो भी क्वेश्चंस मेरे पल्ले पड़े वो मैं आपके लिए लेकर आ गया, बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए, बेहतर से बेहतर के लिए जुड़ने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कोई बात नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।